हेलो दोस्तों, तो चलिए आज की इस क्लास में हम लोग बात करते हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण आर्टिकल के बारे में। ये आपका आर्टिकल है राष्ट्रीय ऊर्जा सुरक्षा से संबंधित। तो इसमें देखेंगे कि आखिर अभी किस संदर्भ में लिखा गया आर्टिकल। इसमें आपकी उदय योजना क्या है, जो आपने सुना होगा अक्सर चर्चा में बनी रहती है, उदय योजना ये है क्या आखिर, इसके बारे में भी हम लोग देखेंगे। विद्युत क्षेत्र की समस्याएं आखिर क्या क्या है, इसमें इन्हें भी देख लेंगे। विद्युत उत्पादन में नवीकरणीय ऊर्जा की क्या भूमिका है, इसे भी देखेंगे। और जो मसौदा तैयार किया जा रहा है, प्रस्तावित किया जा रहा है, इसमें तो सुधार क्या हुए हैं, उसे भी देखेंगे। और जो प्रस्तावित संशोधन हुए हैं, उससे आखिर लाभ क्या होंगे हमारे लिए, उसे भी देखेंगे। ठीक है, यानी कि राष्ट्रीय ऊर्जा सुरक्षा से संबंधित सभी पक्षों को हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। भारत सरकार की नीति सभी के लिए विद्युत पावर फॉर ऑल का उद्देश्य वर्ष 2022 तक देश के प्रत्येक व्यक्ति तक सस्ती, विश्वसनीय, टिकायु, टिकाऊ और नवीकरणीय ऊर्जा तक पहुंच प्रदान करनी है। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए सरकार ने हाल ही में विद्युत अधिनियम 2003 में कुछ संशोधन करने की घोषणा की है। केंद्र सरकार ने देश के विद्युत क्षेत्र में बड़े सुधार के उद्देश्य से विद्युत अधिनियम संशोधन विधेयक 2020 के मसौदे को मंजूरी दी है। इस मसौदे में शामिल सुधारों में सब्सिडी वितरण हेतु प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण की प्रणाली का प्रयोग, विद्युत वितरण कंपनियों डिस्कॉम्स की वैधता, लागत आधारित दर, विद्युत अनुबंध विवर्तन प्राधिकरण की स्थापना और नियामकीय व्यवस्था को मजबूत बनाना आदि प्रमुख है। इसके साथ ही एक समावेशी राष्ट्रीय नवीकरण ऊर्जा नीति का विकास और शुल्कों का युक्तिकरण शामिल है। बिजली क्षेत्र की अधिकांश समस्याएं डिस्कॉम यानी कि वितरण कंपनियां क्षेत्र के खराब निष्पादन से जुड़ी हुई हैं। इन्हीं समस्याओं को ध्यान में रखते हुए वर्ष 2015 में उदय उज्ज्वल डिस्कॉम इंश्योरेंस योजना को लॉन्च किया गया था, जो कि विचार की दृष्टि से एक अच्छी पहल थी। कुछ राज्यों में यह पहल सकारात्मक परिवर्तन वाली साबित हुई और कुछ राज्यों में से इच्छित लाभकारी परिवर्तन नहीं प्राप्त हो सका। तो आपकी जब नरेंद्र ये एनडीए सरकार आई, नरेंद्र मोदी सरकार 2014 में, उसके बाद आपकी 2015 में आपकी उदय योजना लागू की गई। देखते हैं आखिर ये उदय योजना थी क्या। नवंबर 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा उज्ज्वल डिस्कॉम इंश्योरेंस योजना या फिर आपकी उदय योजना को स्वीकृति प्रदान की गई। तो याद रखना है, इसे उदय योजना कहते हैं, इसे ही उज्ज्वल डिस्कॉम इंश्योरेंस योजना भी कहते हैं। उदय को विद्युत वितरण कंपनियों की वित्तीय तथा परिचालन क्षमता में सुधार लाने के लिए शुरू किया गया था। इस योजना में ब्याज भार, विद्युत की लागत, कुछ तकनीकी तथा वाणिज्यिक नुकसान की हानि को कम करने का प्रावधान है। इसके परिणाम स्वरूप डिस्कॉम्स लगातार 24 घंटे पर्याप्त विश्वसनीय विद्युत की आपूर्ति करने में समर्थ हो जाएंगे। इस योजना में राज्य सरकार को अपने ऋणों का स्वैच्छिक रूप से पुनर्गठन करने के लिए प्रोत्साहन करने हेतु प्रावधान भी किया गया था। उदय योजना के तहत बिजली वितरण कंपनियों को आगामी 2-3 वर्षों में उबारने हेतु निश्चित निम्नलिखित 4 पहले अपनाए जाने की बात शामिल है, जो आपकी निम्नलिखित हैं: बिजली वितरण कंपनियों की परिचालन क्षमता में सुधार, बिजली की लागत में कमी, वितरण कंपनियों की ब्याज लागत में कमी, राज्य वित्त आयोग के साथ समन्वय के माध्यम से बिजली वितरण कंपनियों पर वित्तीय अनुशासन लागू करना। तो ये थे आपके सभी उदय योजना में के उद्देश्य। ठीक, हम लोग बात करते हैं विद्युत क्षेत्र की आखिर समस्याएं प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं। विद्युत क्षेत्र ने पिछले कुछ वर्षों के दौरान क्षमता विकास के मामले में भारी वृद्धि देखी, लेकिन मांग और पूर्ति में असंतुलन के कारण यह क्षेत्र सदैव ही तनाव में रहा है।
ऊर्जा पर 37वीं स्थायी पैनल की रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत के 34 बिजली संयंत्रों में लगभग 1.40 लाख करोड़ रुपए की गैर निष्पादित परिसंपत्तियां यानी कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट एनपीए है। बिजली की कीमत के निर्धारण की दुविधा के कारण डिस्कॉम्स जितना अधिक बिजली वितरण उपलब्ध कराते हैं उतना ही उनको घाटा बढ़ता जाता है। परिणाम स्वरूप यह मांग की कमी बदले में बिजली डिस्कॉम्स को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर रहा है। अधिकांश ग्रामीण क्षेत्रों और कृषि कार्यों में विद्युत आपूर्ति के लिए मीटर ना होने के कारण ऐसे क्षेत्रों में विद्युत खपत के संदर्भ में विस्तृत आंकड़े की अनुपलब्धता एक बड़ी समस्या बनी हुई है। आपने देखा होगा जहाँ कृषि क्षेत्र के लिए बिजली जाती है वहाँ इस तरह के मीटर कहाँ लगाए जाते हैं जिसे पता चल सके कि कितनी बिजली आई हुई है। ठीक है, कृषि में विद्युत सब्सिडी के कारण राज्य सरकारों पर आर्थिक दबाव बढ़ा है और ये आर्थिक दबाव विद्युत क्षेत्र के विकास की सबसे बड़ी बाधा रही है। साथ ही वितरक कंपनियों को समय पर भुगतान ना मिलने के कारण कंपनियों की स्थिति खराब हुई है। बेहतर तकनीक एवं उपकरणों के नवीनीकरण के ना होने के कारण उत्पादन केंद्रों से उपभोक्ताओं तक विद्युत वितरण के दौरान भारी मात्रा में ऊर्जा की हानि एक बड़ी समस्या है। सरकार पर सब्सिडी के दबावों को कम करने के लिए क्रॉस सब्सिडी किसी एक वर्ग या समूह को कम दरों पर सेवाएं या फिर उत्पाद उपलब्ध कराने के लिए किसी दूसरे समूह से अधिक अतिरिक्त शुल्क वसूल करने की प्रक्रिया जैसी नीतियों को अपनाने से औद्योगिक क्षेत्र पर नकारात्मक परिणाम देखने को मिलते। इसमें आप लोग इस तरह से देख सकते हैं कि किसानों भी देखा होगा आपने कि उन्हें बिजली बहुत छूट कम दामों पर दी जाती है और एक तरफ जो औद्योगिक क्षेत्र होते हैं आपकी कंपनियां इन्हें बिजली महंगी दी जाती है। ठीक है, आगे बात करते हैं हम लोग विद्युत उत्पादन में नवीकरणीय ऊर्जा की भूमिका क्या है। जलवायु परिवर्तन पर पेरिस समझौते के अनुसार राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित हमारे योगदानों और एक अच्छे ग्रह की प्रति हमारी जिम्मेदारियों को ध्यान में रखते हुए भारत ने संकल्प लिया कि 2030 तक विद्युत उत्पादन की हमारी 40% स्थापित क्षमता ऊर्जा के स्वच्छ स्रोतों पर आधारित होगी। साथ ही यह भी निर्धारित किया गया कि वर्ष 2022 तक 175 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता स्थापित की जाएगी। इसमें आपकी सौर ऊर्जा से 100 गीगावाट, पवन ऊर्जा से 60 गीगावाट, बायोमास से 10 गीगावाट और छोटी पनबिजली परियोजनाओं से 5 गीगावाट क्षमता शामिल है। जो आपकी नवीकरणीय ऊर्जा होती है ये आपकी इसमें सौर ऊर्जा शामिल होती है, पवन ऊर्जा, बायोमास और पनबिजली, ठीक, इस तरह की ऊर्जा आपकी नवीकरणीय ऊर्जा में शामिल होती है। इस महत्वाकांक्षी लक्ष्य को हासिल करने के साथ ही भारत विश्व के सबसे बड़े स्वच्छ ऊर्जा उत्पादकों की जमात में शामिल हो जाएगा, यहां तक कि वह कई विकसित देशों से भी आगे निकल जाएगा। फिलहाल वर्ष 2018 तक देश की कुल स्थापित क्षमता में तापीय ऊर्जा की 63.84%, नाभिकीय ऊर्जा की 1.95%, पनबिजली की 13.09% और नवीकरणीय ऊर्जा की हिस्सेदारी 21.12% है। अब बात करते हैं हम लोग मसौदे से में प्रस्तावित सुरक्षा सुधार क्या, जो आपका मसौदे प्रस्तावित हुआ है इसमें सुधार क्या हुए। लागत आधारित दर और प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण, सरकार द्वारा प्रस्तावित संशोधन के अनुसार नियामक विद्युत उत्पादन उसके वितरण की लागत के आधार पर विद्युत दरों का निर्धारण करेंगे। नियामकों द्वारा निर्धारित दरों में सब्सिडी को शामिल नहीं किया जाएगा। किसानों को प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से सीधे उनके खाते में सब्सिडी प्रदान की जाएगी। नियामकीय व्यवस्था को मजबूत बनाना, इस मसौदे में अध्यक्ष के अतिरिक्त अपीलीय न्यायाधिकरण की क्षमता के कुछ 7 सदस्यों तक बढ़ाने का सुझाव दिया गया जिससे मामलों के त्वरित निस्तारण
हेतु कई पीठों की स्थापना की जा सके। साथ ही न्यायाधिकरण के निर्णयों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए इसे और अधिक सशक्त बनाने का प्रस्ताव भी किया गया। वर्तमान विद्युत अधिनियम के तहत केंद्रीय और राज्य आयोग के अध्यक्ष तथा अन्य सदस्यों की नियुक्ति के लिए कई चयन समितियों का गठन करना पड़ता है, जिन्हें अब समाप्त कर एक चयन समिति की व्यवस्था का प्रस्ताव किया गया। मसौदे में विद्युत अधिनियम के प्रावधानों और आयोग के आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से दंडात्मक कार्रवाई के रूप में अधिक जुर्माना लगाए जाने हेतु विद्युत अधिनियम की धारा 142 और 146 में संशोधन का प्रस्ताव किया गया है। फिर आगे आपका विद्युत अनुबंध प्रवर्तन प्राधिकरण की स्थापना। मसौदे में उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में केंद्रीय प्रवर्तन प्राधिकरण की स्थापना का प्रस्ताव किया गया है। इस प्राधिकरण के पास विद्युत उत्पादन और वितरण से जुड़ी कोई कंपनियों के बीच बिजली की खरीद बिक्री या फिर हस्तांतरण से संबंधित अनुबंधों को लागू करने के लिए दीवानी अदालत सिविल कोर्ट के बराबर अधिकार होंगे। आगे है नवीकरणीय ऊर्जा और पनबिजली। केंद्र सरकार ने देश में ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोतों से बिजली के उत्पादन की आवश्यक क्षमता विकास और प्रोत्साहन के लिए एक राष्ट्रीय ऊर्जा नवीकरणीय ऊर्जा नीति नेशनल रिन्यूएबल एनर्जी पॉलिसी के निर्माण का प्रस्ताव किया है। मसौदे में आयोग को विद्युत वितरकों द्वारा अनिवार्य रूप से नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से बिजली की खरीद की एक न्यूनतम मात्रा निर्धारित करने का प्रस्ताव किया गया। साथ ही नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से न्यूनतम बिजली खरीदने की बाध्यता न पूरी करने पर जुर्माना लगाने का प्रस्ताव भी किया गया। इसमें आपका सीमा पार विद्युत व्यापार। इसके तहत मसौदे में भारत तथा अन्य देशों के बीच बिजली व्यापार को बढ़ावा देने तथा इसे और अधिक आसान बनाने के लिए आवश्यक प्रावधानों को प्रस्तावित किया गया। पर्याप्त का फ्रेंचाइजी और उप वितरण लाइसेंस। केंद्र सरकार ने इस मसौदे में राज्यों में विद्युत वितरण कंपनियों को किसी क्षेत्र विशेष में विद्युत वितरण के लिए फ्रेंचाइजी और उप वितरण कंपनियों को जोड़ने का अधिकार देने का प्रस्ताव किया है। बात करते हैं प्रस्तावित संशोधनों से लाभ क्या होगा। ये संशोधन किए जा रहे हैं, इनसे आखिर लाभ क्या होगा। ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि और सामान्य उपभोक्ताओं के लिए बिजली उपलब्ध कराने के लिए अलग अलग सप्लाई लाइनों के ना होने से राज्य सरकारों को वितरण कंपनियों को अधिक सब्सिडी देने पर विवश होना पड़ा। विद्युत सब्सिडी के भुगतान हेतु प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण की प्रक्रिया अपनाने से किसान अन्य पात्र लोगों को सहायता सुनिश्चित करने के साथ ही सरकार के आर्थिक बोझ को कम करने में मदद मिलेगी। कृषि क्षेत्र में उपभोक्ताओं के लिए मीटर अनिवार्य करने से किसानों को बिजली और जल के अनियंत्रित दोहन के संदर्भ में जागरूक किया जा सकेगा। साथ ही बिजली चोरी की घटनाओं को नियंत्रित कर बिजली खपत की बेहतर निगरानी की जा सकती है। पिछले कुछ वर्षों में वैश्वीकरण और देश में विदेशी कंपनियों के आने से औद्योगिक क्षेत्र की स्थानीय इकाइयों पर प्रतिस्पर्धा का दबाव बढ़ा है। ऐसे में क्रॉस सब्सिडी को कम करने से औद्योगिक क्षेत्रों पर पड़ने वाले अतिरिक्त दबाव को कम किया जा सकेगा। देश के कई क्षेत्रों में वर्तमान जरूरतों के अनुसार विद्युत विभागों में नवीनीकरण ना होने या फिर अन्य कारणों में से एक बड़े क्षेत्र को सेवाएं उपलब्ध कराना एक चुनौती है। ऐसे में फ्रेंचाइजी और उप वितरण लाइसेंस देने के माध्यम से निजी क्षेत्र को जोड़कर समस्या का समाधान किया जा सकता है। ऐसे में केंद्रीय प्रवर्तन प्राधिकरण की स्थापना के माध्यम से विद्युत क्षेत्र में योजनाओं के क्रियान्वयन और उनकी बेहतर निगरानी में सहायता भी प्राप्त होगी। इसमें आगे की राय क्या हो सकती है। वर्तमान समय में कृषि और औद्योगिक क्षेत्र के विकास को सुनिश्चित करने के लिए आसान दरों पर बिजली की निर्बाध
आपूर्ति सुनिश्चित करना बहुत ही आवश्यक है। वितरण कंपनियों के लिए कृषि क्षेत्र में विद्युत वितरण को किफायती बनाने, कंपनियों के घाटे को कम करने हेतु किसानों को मीटर और प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के बारे में जागरूक किया जाना चाहिए। विद्युत वितरण के दौरान होने वाली विद्युत हानि ट्रांसमिशन लॉस को कम करने के लिए आवश्यक तकनीकी बदलाव किए जाने चाहिए। विद्युत क्षेत्र की समस्याओं के समाधान के लिए केंद्र व राज्य सरकारों तथा सभी राजनीतिक दलों एवं अन्य हितधारकों के बीच एक सकारात्मक राजनीति संवाद का होना बहुत ही आवश्यक है। तो ये थी आपकी पूरी कहानी राष्ट्रीय ऊर्जा सुरक्षित से संबंधित। तो चलिए, आशा है कि आप सभी को समझ में आ गया होगा।